हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि YouTube पर जो व्हाइट लाइन जो रहता है, व्हाइट लाइन मतलब जो पीछे साइड में रहता है, तो उसको आप कैसे कीजिएगा। इस वीडियो में आप पूरा सीखिएगा। तो मतलब व्हाइट लाइन, आउटलाइन ये कैसे लगाए अपना वीडियो में, जो थंबनेल लगाते हैं यूट्यूब के थंबनेल में व्हाइट जो लाइन रहता है वो कैसे लगाए, जो मेरा थंबनेल पे दिख रहा है वही सेम प्रोसेस आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लेके बताते हैं। तो ये देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैकग्राउंड इरेजर है इसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद ओपन कर लेना है। जैसे ओपन कर लीजिएगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, तो अपना एक फोटो को चूज कर लीजिएगा। इसको चूज करने के बाद आपको PNG बनाना है। PNG यहाँ से बना लीजिएगा। ऐसे करके हम PNG इसको फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ ऑटो पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ये हम PNG बना लिए। यहाँ देख सकते हैं कि मेरा PNG बन गया। उसके बाद हम यहाँ पे दो तीन देख लेते हैं किसमें अच्छा है, उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं अपना फोटो को। तो यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ फिनिश जो लिखा है इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद क्या करना है, पिक्सल लैब को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। जैसे ओपन कर लीजिएगा यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट लिखा है इसको डिलीट कर देना है। जैसे हम डिलीट कर दिए, उसके बाद यहाँ पे 3 जो लिखा है मेनू बटन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ लिखा है इमेज साइज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या कस्टम जो लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ जो लिखा है यूट्यूब थंबनेल यहाँ पे आपको क्लिक करना, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे YouTube थंबनेल मतलब क्लिक कर ले, उसके बाद ओके पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं अपना क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक फोटो ले लेना। तो फोटो कहाँ से लीजिएगा, प्लस के अकाउंट पर मतलब जो आइकन जो है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना फोटो को चूज करना। देखिए देख लीजिए, हम ये फोटो हम चूज कर लिए, इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। तो यहाँ सेट करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में क्लिक करना है। आपको देख सकते हैं कि मेरा यहाँ सुपर हिट से सेट हो चुका है। तो यहाँ नीचे में जाना है, इसके ऊपर हमें आपको फोटो पहले सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं कि पहले हम फोटो सेलेक्ट नहीं किए हैं, फोटो हम सेलेक्ट कर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे ये सॉरी गलती हो गया, तो इसको हम बैक चले जाते हैं, इसको हम बैक कर लेते हैं। उसका क्या करना है, आपको फोटो जो है फोटो के ऊपर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे हम फोटो के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ जो फोटो दिख रहा है, यहाँ फोटो पर क्लिक कर लिया, लाइन आ गया। उसके बाद आपको यहाँ नीचे में ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ ऑप्शन को आप चलते जाइए बनिएगा। उसके बाद यहाँ जो लिखा है स्ट्रोक, स्ट्रोक पे ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ इनेबल कर देना है इसको। यहाँ इनेबल कर दीजिएगा, देख सकते हैं कि आउटलाइन आ चुका है। तो यहाँ जो कलर आपको सेलेक्ट करना है कलर यहाँ चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद आपको जो नीचे में जो लिखा है स्ट्रोक विथ, यहाँ पे आपको मेरा 2 पॉइंट है, इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत। देख सकते हैं कि बढ़ा लीजिए, जितना बढ़ाए उतना मेरा मतलब फोटो के ऊपर आ गया है सफेद का व्हाइट लाइन, आउटलाइन आ गया। उसके बाद क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टिक लगा दीजिएगा, उसके बाद और एक ऑप्शन है वहाँ पे शैडो, शैडो के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ शैडो के ऊपर इसको भी इनेबल कर लेना है, यहाँ हम इनेबल कर लिए। उसके बाद यहाँ से भी थोड़ा बहुत इसको बढ़ा लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका फोटो 1 मिनट में रेडी हो गया। आपका बैकग्राउंड देख सकते हैं कि मेरा फोटो में आ चुका है पीछे साइड व्हाइट लाइन आउट लाइन। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपना कुछ भी डाल लेते हैं, अपना टेक्स्ट डाल लीजिएगा, अपना सब कुछ डालने के बाद अपना जो भी जिसके बारे में आप थंबनेल बनाना चाहते हैं उसके बाद थंबनेल में लिख लीजिए। तो हम लिख लेते हैं माई न्यू चैनल, उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं माई न्यू चैनल। जैसे लिख लिए, उसके बाद यहाँ लिखते हैं लोगो। लोगो लिखने के बाद आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना। देख सकते हैं कि यहाँ हम ओके पर क्लिक कर लिए। ओके पर जैसे क्लिक किए ना, तो यहाँ पे इसको हम अपना हिसाब से सेट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ हम सेट कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स इसका मतलब बड़ा साइज करना है। तो यहाँ पे हमको जाना है, यहाँ लिखा है फॉन्ट, यहाँ फॉन्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा, अपना यहाँ जो हिसाब से अपना चूज कर लिया है जो भी फॉन्ट रखना चाहते हैं उसको हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद देख सकते हैं कि मेरा यहाँ फॉन्ट बन चुका है माई न्यू चैनल लोगो। तो ये अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख लिए कि आपको YouTube में मतलब जो थंबनेल लगाते हैं उसमें व्हाइट आउटलाइन कैसे लगाएं, पूरा इस वीडियो में प्रोसेस आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो वंदे मातरम, जय हिंद।